Ben 10 at the chopper and Oshia. Girl, try your superhero, but hard them at the ya. Ben 10 at the device, but Benny Hue. But Jata has up a look, son, say. Jamushka Zata, eh? But Buzz Nye. Ben 10. Rocky got her cry. Yeah, hero time. सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज के दिन बात करेंगे ह्यूमंगस और के फैक्ट के बारे में और इसके वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में। अगर आपने बेन 10 के फैक्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, उसको वॉच कर लेना। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर वन, ह्यूमंगस और जब भी किसी से फाइट करता है तो ह्यूमंगस और को जो चोट लगती है वो हमारे हीरो बेन 10 को भी लगती है। बेन ने एक बार एक एपिसोड में खुद ही कहा। फैक्ट नंबर टू, ह्यूमंगस और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता, पर लिमिटेड टाइम तक स्पेस में ही सर्वाइव कर सकता है ह्यूमंगस और। सो ह्यूमंगस और सबसे पहले अल्टीमेट फॉर्म में भी मिला था। अल्टीमेट सीरीज में सबसे पहले हमें ह्यूमंगस और का अल्टीमेट फॉर्म रिवील किया गया था, जो कि काफ़ी ऑसम लग रहा था उस समय। फैक्ट नंबर थ्री, ह्यूमंगस और अपनी हाइट को 12 फीट तक बढ़ा सकता है। बेबे के बाद दूसरा एलियन जो कि जायंट है वो ह्यूमंगस और है। ह्यूमंगस और अपनी हाइट को बढ़ा के उसे जल्दी टारगेट किया जा सकता है। अगर उस पर जोर से अटैक किया जाए तो वो अपनी फॉर्म में दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। फैक्ट नंबर फोर, बेन 10 का ह्यूमंगस और हमें सबसे पहले बेन 10 एलियन फोर्स के एपिसोड सेकंड में दिखाया गया था, जब ये हाइब्रिड से फाइट कर रहा था, जब बेन ह्यूमंगस और में पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था बेन 10 एलियन फोर्स में। फैक्ट नंबर फाइव, बेन 10 के अलावा ह्यूमंगस और का यूज एजमत, गोहन, बिल गेट्स के बॉट्स भी कर चुके हैं और एल्विडो और केविन ने भी ह्यूमंगस और को भी एब्जॉर्ब किया था, जैसा कि हमने देखा। फैक्ट नंबर सिक्स, बेन 10 के सीरीज में हमें ह्यूमंगस और 89 टाइम से भी ज़्यादा अपीयर किया गया है और ये यार काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है और ये सबसे मोस्ट यूज्ड एलियन में भी आ जाता है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसे चेकआउट कर लेना। फैक्ट नंबर सेवन, वॉइस आर्टिस्ट डेब्रिडिली ने ह्यूमंगस और को वॉइस ओवर किया है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे फोटो देखा होगा उनका, तो एक इंटरव्यू के दौरान डेब्रिडिली ने कहा था कि मुझे ह्यूमंगस और की वॉइस देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है और ह्यूमंगस और बेन 10 काफ़ी बार यूज़ करता है, इसीलिए मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो जाती है। फैक्ट नंबर एट, बेन 10 के एलियन सीरीज में पहले ह्यूमंगस और को ह्यूमंगस और नाम दिया जा रहा था, फिर उसके बाद इसके आर्टिस्ट ने कहा कि ह्यूमंगस और नाम ठीक नहीं है और ह्यूमंगस और नाम अच्छा है। वैसे तो दोनों नाम सिमिलर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ह्यूमंगस और अच्छा। सो गाइस, आज की वीडियो का लास्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 9, ह्यूमंगस और की स्ट्रेंथ लेवल ज़्यादा मानी जाती है पर ऐसा नहीं है। क्रोमास्टोन की स्ट्रेंथ लेवल काफ़ी हाई है ह्यूमंगस और से। तो दैट्स इट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।